अस्सलाम वालेकुम आदाब, वेलकम दोस्तों। दोस्तों मेरे पास फ़ोन आया था परसों नहीं बल्कि कल ही आया था। एक अपना एरिया है यहाँ पे महाराजगंज, जिला उन्नाव लगता है, वो मोहान के पास में, जो लोकल के लोग हैं वो जानते होंगे। तो वहाँ पर एक दुखद घटना हुई है, कल स्नेक बाइट से एक लड़की की डेथ हो गई है। तो वहाँ पर मैं संपर्क में रहा शाम तक, क्योंकि मैं बाहर था, यहाँ था नहीं, वरना मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचता। उसके बाद में फिर दूसरे दिन सुबह कल मेरे पास कॉल आए कि उसी घर में एक और बाइट हो गई है। तो ये एक मतलब हैरत वाली बात थी कि दूसरे दिन एक तो डेथ हो गई, दूसरे दिन फिर सुबह एक बाइट हुई, और वो अभी लड़की भर्ती है वहीं पे अस्पताल में। तो मैं वहाँ पर गया और जो भी हुआ वो वीडियो आपके सामने आ रहा है, देखिए। जानकारी है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आपको जानकारी मिले। अगर आप भी आउटसाइड में कहीं पर है, आपका घर है गांव में या बस्ती में, शहर में भी है, अगर आउटसाइड आपका मकान है, घर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो देखें, बिना मिस करें। यहाँ पर जो अभी हमने बात की, पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रैत पाया जाता है। हमने चचा को, हमारे हैं यहाँ पर, तो हमने उनको दिखाया है फ़ोटो इमेज वगैरह, तो उन्होंने क्रैत को बताया कि ये आम तौर पर यहाँ पे देखा जाता है। दोस्तों हमने कई बार पहचान कराई है क्रैत के बारे में और सांपों के बारे में, और सबसे डेंजरस जिसको बताया है, हालांकि अलग अलग सांप के जहर का अलग अलग असर भी होता है, और उनकी अलग अलग खामियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके से वो जहर असर करता है। लेकिन क्रैत की जो एक अहम खूबी है वो ये है कि ये रात में ही शिकार करते हैं, रात में ही निकलते हैं। और हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप आउटसाइड में हैं, गांव में हैं, शहर में, कहीं भी आउटसाइड में हैं, तो अपने कभी भी नीचे पे ना सोएं, यानी ज़मीन में ना सोएं। हो सके तो आप जो भी है ऊंची जगह पे, पलंग पे, तख्त पे सोएं, और इसके बावजूद भी कोशिश करें कि मच्छरदानी लगा के सोएं, क्योंकि आउटसाइड में जो भी एरिया होता है सांप जाहिर सी बात होते ही होते हैं, क्योंकि वो वन क्षेत्र होता है या वो विकसित क्षेत्र नहीं रहता है, तो वहाँ पे सांप होंगे होंगे, तमाम और भी जानवर होंगे। अगर सांप होंगे तो वहाँ पे क्रैत भी हो सकता है, और क्रैत सांप होगा तो हमेशा बोला है कि क्रैत सांप दिन में आपको कभी नहीं दिखेगा। ये सांप अगर इसकी जगह को छेड़ेंगे जहाँ छुपा है तो दिन में दिखाई देगा, वरना ये दिन में नहीं दिखेगा। ये क्रैत सांप जो होता है वो रात में ही निकलता है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि अक्सर ये इंसानों की जगह पर ज़रूर जाता है, यानी अगर आप लेटे हुए हों तो इंसानों की जो टेम्परेचर है ये इसको कहीं ना कहीं जो आकर्षित करता है, और ये उनके पास में जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बाइट जो होती हैं क्रैत की, हालांकि बाइट इसकी काफ़ी कम होती है, लेकिन जो रेशो है कि जान बचाने का वो बहुत कम है इसका। क्रैत में ये हो रहता है कि बाइट हुई, इंसान जान नहीं पाता है, खटमल या मच्छर जैसा इसकी बाइट रहती है कि इंसान अगर गहरी नींद में है तो वो जान भी नहीं पाएगा कि उसको किसी चीज़ ने काटा है। और इसका जहर के जो सिम्टम्स हैं वो भी कोई ख़ास नहीं है, यानी अगर कोबरा या रसल वाइपर बाइट करता है तो उसके ऐसे सिम्टम्स है कि इंसान सोते में जग सकता है, लेकिन जो क्रैत है वो सोता का सोता ही रह जाता है। इसीलिए इसको साइलेंस किलर बोलते हैं। साइलेंस किलर का मतलब यही है कि अगर इंसान सो रहा है तो उसको काट लिया है बाइट, उसको जान भी नहीं पाएगा, इंसान सोते के सोते दुनिया से निकल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी रखिए, अगर आपका घर आउटसाइड है, यानी कि आपके घर के करीब करीब ज़्यादा मकान नहीं, आबादी नहीं है, तो मेहरबानी करके नीचे ज़मीन पर ना लेटिए, या अगर नीचे ज़मीन पर लेट रहे हैं तो भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इससे साफ ही नहीं, बाकी दूसरे भी जानवरों से आप बच सकते हैं। हादसा बता करके नहीं आता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक हादसा हो जाता है, तब इंसान सोचता है कि हमको ये काम करना चाहिए था। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है आपको ये इतनी अहम ना लग रही हो, लेकिन ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ में हादसा हो जाए तो उसको फिर ये जानकारी बहुत अहम लगेगी। तो दोस्तों जो चीज़ बाद में करनी है क्यों ना वो पहले कर लिया जाए। तो हमारे साथ में यहाँ पर जो जिस घर में घटना हुई है वो लोग यहाँ पर हैं, तो चचा जिन्होंने बताया है, चचा जहाँ ये जिन्होंने बताया है कि क्रैत सांप जो यहाँ पर आमतौर पर पाया जाता है, साल भर में बता सकते हैं लगभग कितनी बार ये सांप देखा गया, जो हमने आपको इमेज दिखाई? दोस्तों इमेज मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, ये साल 6 महीने में दिखते ही रहते हैं, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे दिखते ही रहते हैं। अक्सर ये सांप काले बहुत कम दिखते हैं, ये ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा दिखता है। अच्छा, ये रात में दिखते हैं कि दिन में दिखते हैं? दिन में भी दिखते हैं, शाम के टाइम दिखते हैं, शाम जब सूरज ढलने वाला होता है तब से दिखना शुरू हो जाते हैं, टाइम को ज़्यादा दिखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया ना कि ये क्रैत सांप सूरज ढलने के टाइम से ही निकलते हैं, और ये नाइट यानी कि सुबह होने से पहले पहले ही अपनी जगह पे जा करके छुप जाते हैं। दिन में कभी सूरज की रोशनी में कभी आप इनको नहीं देखेंगे शिकार करते हुए, तभी मिलेंगे जब आप इनकी जगह को छेड़ेंगे।
बहुत लंबी लंबी घास है हमें लग रहा है घर ही बनवा दो यहाँ ये किनारा किनारा लोग इससे भी डराते हैं ना ये लोग कहते हैं ये काट ले आपकी नानी ये मर जाएंगे है ना इसको भी अपने लोकल में बोलते हैं दोस्तों कि ये सांप की नानी है कुछ लोग सांप की मौसी बोलते हैं और इसको बहुत जहरीला माना जाता है वैसे बहुत सी भ्रम चीज़ें फैली हुई हैं अपने यहाँ पर ये भी अगर किसी इंसान को काट ले तो वो भी डर के मर सकता है वही बात है जब इंसान को डराया जाएगा तो फिर डर ही के मरे सो दोस्तों पूरा चेकआउट किया है कहीं पे कुछ मिला तो नहीं पर कुछ प्लानिंग ज़रूर की है हम लोगों ने आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये रूम है जहाँ पे पहली लड़की को बाइट हुआ था जिसकी डेथ हो गई है और दूसरे दिन जो बाइट हुआ है वो ये वाला कमरा है ये बगल वाला ये वाला कमरा है इसमें बाइट हुई है और अब जो हम लोगों ने प्लानिंग की है तो वो ये की है कि यही दरवाजे से ही जो आपने अभी देखा ये दरवाज़ा इसी से कहीं ना कहीं स्नेक की एंट्री होती है तो सोचा ये है हमने हम लोगों ने कि यहाँ पर मछली वाला एक फसला जो आता है जो अक्सर खेतों में सांप उसमें फंस जाया करते हैं तालाबों में भी सांप अक्सर फंस जाते हैं इतनी ऊंचाई से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से लगाया जाएगा यहाँ पर और उसको नीचे ज़मीन में डाल दिया जाएगा तो अगर रात में एंट्री करता है तो स्नेक ज़रूर फंसेगा सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं जानकारी कैसे लगी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं और वीडियो में और भी आगे कुछ जानकारी थी लेकिन मैंने उसको आपके क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए वो जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा वो कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि जहरीला सांप और बिना जहरीला सांप में क्या अंतर होता है उसकी बाइट कैसी होती है उनके निशान कैसे होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कौन सा सांप किस मिजाज का होता है क्या उसका बिहेवियर होता है तो ये सारी जानकारी उस वीडियो में है दोस्तों तो अगला वीडियो आएगा इंतज़ार करिए एक पार्ट 2 समझ करके उसी वीडियो को मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको दूंगा बहुत सारी जानकारी है इसलिए मैंने उसको वीडियो को अलग रखा है ये भी सोच करके कि वीडियो लंबा ना हो और दूसरी चीज़ की एक ही जानकारी जब बहुत सारी जानकारी एक ही जगह पर दी जाती है तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठता है तो उस जानकारी को मैं अलग करके ऐसे वीडियो में आपके सामने ले करके आऊँगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो मैं डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सब्सक्राइब जब करेंगे आप तो ऑल बेल आइकन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा सबसे ऊपर ऑल बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मेरी पड़ेगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी और सबसे पहले पहुँचेगी